नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। भारत फाइनेंस के मैनेजर से लूटकांड मामले का पुलिस ने किया खुलासा, हथियार के साथ दो अपराधी गिरफ्तार। हिंदी दिवस को लेकर जिले भर में कई कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कमिश्नर वंदना किनी ने सरकारी कार्यालयों में हिंदी को बढ़ावा देने की कही बात। राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन, कुपोषण मुक्त समाज बनाने के लिए लोगों को किया गया जागरूक। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने प्रोफेसर एके राय, सोमवार को कर सकते हैं पदभार ग्रहण। और शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बांका पुलिस ने 5 शराब कारोबारी को भारी मात्रा में शराब के साथ किया गिरफ्तार। और अब खबर विस्तार से। भागलपुर पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से लूट मामले का खुलासा कर दिया है। लूट कांड की घटना में शामिल दो अपराधियों को पुलिस ने हथियार और लूटे गए रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। सिटी एसपी ने कहा कि 2 अगस्त को सबौर के फतेहपुर स्थित भारत फाइनेंस कंपनी के मैनेजर सौरभ सोनू कुमार से अपराधियों ने हथियार के बल पर 1,32,000 रुपए लूट घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। एसपी ने कहा कि टीम में शामिल पुलिस कर्मियों ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर घटना में शामिल अपराधी फतेहपुर निवासी मोहम्मद हामिद मंसूरी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अपराधी के पास से पुलिस ने लूट के 19,000 रुपया बरामद किया है। एसपी ने कहा कि गिरफ्तार अपराधी पर 0 माइल थाना में आधा दर्जन मामला दर्ज है। वहीं घटना में शामिल अन्य अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लेने की बात सिटी एसपी ने कही। वहीं बरारी थाना क्षेत्र में अपराध की घटना को अंजाम देने जा रहे एक अपराधी को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधी की पहचान मायागंज निवासी मोहम्मद राहुल के रूप में हुई है। ये 2 अपराधी अपने घर के आसपास छिपा हुआ आया हुआ है। इस सूचना पे हम लोग सीटीडी के नेतृत्व में थाना प्रभारी औद्योगिक और बड़ाड़ी और सब और टीम बनाई गई, छापामारी किया गया। छापामारी क्रम में एक दुर्दान अपराधी है हासिम मंसूरी, यह कई कांडों में वांछित था। अभी हाल का पिछले अगस्त महीने में लूट हुआ था, इसमें ये 1,00,000 लूटा था हथियार के बल पे, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और लगभग 1900 रुपये बरामद हुआ है। दूसरा, मायागंज चौक के पास एक अपराधी राहुल, सूचना मिली कि वो कट्टा के साथ कहीं अपराध करने का प्लानिंग कर रहा है। इस सूचना पर फिर डीएसपी सिटी नेतृत्व में टीम बनी हुई थी, छापामारी उन्होंने किया। छापामारी क्रम में राहुल गिरफ्तारी हुई, उसके पास देसी कट्टा मिला और 6 जिंदा कारतूस मिला। हिंदी में संस्कृति, कला, अध्यात्म, परंपरा, साहित्य, ज्ञान और विज्ञान समेत हजारों वर्षों की संचित विरासत समाई है। वहीं 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। राजभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं शनिवार को हिंदी दिवस पर जिले भर में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भागलपुर प्रमंडलीय राजभाषा कार्यालय में हिंदी दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमिश्नर वंदना किनी ने की। इस दौरान आयुक्त ने सरकारी कार्यशाला में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु दिशा निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि हिंदी भाषा अनेकता में एकता को स्थापित करने की सूत्रधार है। मौके पर डीपीआरओ बिंदुसार मंडल समेत कई अधिकारी मौजूद थे। वहीं भागलपुर टीएनबी कॉलेज में हिंदी दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने की। समारोह में डीएसडब्ल्यू डॉक्टर योगेंद्र महतो, हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर लोक चौबे, डॉक्टर जितेश, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर संजय झा, डॉक्टर अंजनी और डॉक्टर पीएस मिश्रा ने अपने विचार व्यक्त किए। शिक्षकों ने कहा कि हिंदी में विज्ञान की शिक्षा सरल और संप्रेषणीय है। वहीं डीएसडब्ल्यू ने कहा कि हिंदी भाषा के साथ हमें दूसरी भाषा का भी सम्मान करना चाहिए। 1950 में जब संविधान लागू होने लगा, तो उस समय लोगों का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, लेकिन पंडित नेहरू जैसे लोगों ने कहा
यदि हिंदी सक्षम नहीं है, समल नहीं है, शक्तिमान नहीं है, और इसीलिए 15 वर्षों के बाद हिंदी को राष्ट्र की भाषा बनाई गई। 1965 आया, 15 वर्ष बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया। जैसे ही घोषित किया कि तमिलनाडु में इसके खिलाफ डॉक्टर आलोक चौबे ने छात्र छात्राओं को हिंदी के महत्व और इतिहास की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मौके पर डॉक्टर आशीष प्रिय समेत काफी संख्या में छात्र छात्रा मौजूद रहे। हिंदी दिवस हमारे ही लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए है। भारतीय संविधान की धारा 343 एक से लेकर 351 और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अध्यादेश के द्वारा मनाने का दायित्व सबके ऊपर है, चाहे वह हिंदी भाषी क्षेत्र हो, गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हो, सबके लिए यह दायित्व है। वह हिंदी के संवर्धन के लिए, हिंदी के विकास के लिए और हिंदी की संभावना की तलाश करने के लिए यह दिवस का आयोजन करें। मगर दुर्भाग्य है कि आज यह कहना पड़ता है कि हम सब हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग इसके प्रति उदासीन हैं। उदाहरण के लिए इसी भागलपुर विश्वविद्यालय का एकमात्र TNV कॉलेज है, जो पिछले मेरी जानकारी में 36 वर्षों से हम लगातार यह TNV कॉलेज में हिंदी दिवस मना रहे हैं, और कहीं से कोई सूचना नहीं आ पाती है कि कहीं और भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वहीं स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि हिंदी के विकास के लिए लोगों को शुद्ध हिंदी बोलना चाहिए। हिंदी अपने ही प्रदेश में दासी की तरह रह रही है, इसका कारण हम खुद भी हैं, क्योंकि जो हिंदी हम बोलते हैं वो हिंदी हमेशा से एक उपेक्षित भाषा के रूप में प्रकट होती है। हिंदी भाषी होकर भी हम शुद्ध हिंदी नहीं बोलते, प्रयास भी नहीं करते। अंग्रेजी हम शुद्ध बोलेंगे लेकिन हिंदी को हम ऐसे ही बोल देते हैं। अभी आप देखिए कि हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत बढ़ रहा है, देश में सर्वे आया है जिसमें है कि दक्षिण के लोग अब हिंदी सीख रहे हैं। इधर हिंदी दिवस पर प्रधान डाकघर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डाक अधीक्षक AK सिंह ने की। अधीक्षक ने कहा कि डिजिटल तकनीक हिंदी भाषा को बड़े जन समुदाय तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रही है। इस अवसर पर सभी डाकपाल समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। आज हिंदी दिवस है और हम लोग भारत सरकार इसका पखवाड़ा, हिंदी पखवाड़ा मनाती है हर एक साल 14 सितंबर से 28 सितंबर तक। उसकी शुरुआत है, हम आते के साथ अपने सभी कर्मचारी बंधु हैं जो अधिकारी हैं उनको हिंदी दिवस के अवसर पर शुभकामना दिए हैं। उसके बाद इसी दिवस के अवसर पर संयोग से पोस्टमास्टर SPM सबका एक मीटिंग भी हम आहूत किए हैं। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत शनिवार को भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में जिला स्तरीय पोषण मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का स्वागत तिलक लगाकर और पुष्प वर्षा से की गई, जिसके बाद कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी प्रणव कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, ICDS पदाधिकारी अर्चना कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सभी अतिथियों का स्वागत पौधा देकर किया। DM ने समेकित बाल विकास परियोजना एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाई गई स्टॉल का अवलोकन किया। DM ने कहा कि कुपोषण देश में अभिशाप की तरह है, अच्छे खानपान से ही इस पर काबू पाया जा सकता है। DM ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी मौजूद लोगों को दी, साथ ही कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार वितरित किए जाते हैं। DM ने कुपोषण मुक्त समाज के लिए स्वच्छ और स्वस्थ रहने की बात कही। इस मौके पर CDPO, सेविका, सहायिका और काफी संख्या में बच्चे मौजूद थे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय बनाए गए हैं, जिसकी अधिसूचना राजभवन ने शनिवार को जारी कर दी। दरअसल स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए TMBU के कुलपति प्रोफेसर विभास चंद्र झा ने 6 सितंबर को अपना इस्तीफा राजभवन को सौंप दिया था। इसके बाद नए कुलपति को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। वहीं राजभवन ने शनिवार को कुलपति प्रोफेसर AK राय को विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति के रूप में नियुक्त कर दिया। फिलहाल प्रोफेसर AK राय BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के कुलपति है और 2014 से 17 तक TMBU में प्रति कुलपति के पद पर कार्य कर चुके हैं। प्रोफेसर AK राय ने सिल्क TV को बताया कि पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता छात्रों की समस्या को दूर करना और शोध कार्य को बढ़ावा देना है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे उस मातृ संस्था के लिए
मुझे मौका मिला कुछ काम करने के लिए और मुझे उनका जो कर्ज है वो चुकाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने तरफ से अपना जितना भी मेरी क्षमता है, दक्षता है और ज्ञान है, उस ज्ञान के साथ उस विश्वविद्यालय के विकास के लिए हम कार्य करेंगे। अभी सबसे पहली बात है कि कुछ दिन पहले वहाँ बड़े अच्छे ढंग से कार्य चल रहे थे और बीच में नए कुलपति की बहाली हुई और फिर वो छोड़कर चले गए, तो कार्य की गति में काफ़ी धीमा हो गया है। कार्य की गति, कोई भी डेवलपमेंट विकास का कार्य नहीं हो रहा है। पता चला है कि बहुत सारी डिग्रियाँ भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, परीक्षाएँ भी सही समय से नहीं हो रहा है, रिजल्ट निकलने में भी दिक्कतें हो रही हैं। सबसे मेरी प्राथमिकता होगी कि हम सेशन को रेगुलर करें और जो भी परीक्षाएं लंबित है उसे तुरंत जो है विलम्ब उसको हम शुरू करवा दें और सौ समय उसका हम रिजल्ट दें। बच्चों को जिनकी डिग्री पेंडिंग है, चूँकि बहुत सारे बच्चे पास करने के बाद नौकरी की तरफ जाते हैं, नौकरी की खोज करते हैं, और सौ समय अगर उसे डिग्री नहीं दी जाती है तो काफ़ी जो परेशानी होती है, हम उस तरफ भी ध्यान देंगे। बांका पुलिस ने अवैध शराब को लेकर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन छापेमारी अभियान चला रही है। खेसर थाना क्षेत्र के गोडगम्मा गांव में एएसपी ओम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध रूप से संचालित देसी शराब की भट्टी को नष्ट करते हुए शराब बनाने के धंधे में लिप्त चार लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामदगी मामले में एएसपी ने खेसर थाना अध्यक्ष अनिल शाह से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं बांका के कटोरिया थाना क्षेत्र राधा नगर बाजार में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 54 बोतल विदेशी शराब, 10 लीटर महुआ और 40 पाउच देसी शराब बरामद किया है। छापेमारी अभियान थाना अध्यक्ष राजेश कुमार के नेतृत्व में चलाया गया। थाना अध्यक्ष ने कहा कि अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि पकड़े गए महिला को उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेज दिया गया है। वहीं छापेमारी के बाद इलाके में शराब का कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। भागलपुर के व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रभारी जिला जज विनोद कुमार तिवारी, सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, जिला विधिक संघ के अध्यक्ष अभय कांत झा ने संयुक्त रूप से किया। लोक अदालत में मुकदमे का ऑन द स्पॉट निष्पादन के लिए 23 बेंच बनाए गए थे, जिसमें भागलपुर में 17, नौगछिया में 5 और कहलगांव में 1 बेंच का गठन किया गया था। लोक अदालत में बैंक, बीएसएनएल, पारिवारिक विवाद, आपराधिक मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता कराकर कई मामले का निपटारा किया गया। सबसे ज्यादा मामला बैंक ऋण से जुड़ा था, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से ऑन द स्पॉट मामले का निष्पादन किया गया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, अब देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर, स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के सुंदरवन स्थित माउंट कार्मेल स्कूल में शनिवार को केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ द्वारा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में संस्था के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने छात्राओं को सड़क सुरक्षा, यातायात नियम और यात्रा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहीं छात्राओं ने भी ट्रैफिक नियम को लेकर कई सवाल पूछे। धार्मिक संयोजक जटाशंकर मिश्रा ने कहा कि इस तरह के कार्यशाला से बच्चों में जागरूकता आती है
है। वहीं राष्ट्रीय महिला जागरण समिति की अध्यक्षा अनुराधा खेतान बच्चों को आपस में मिलकर पढ़ाई करने के साथ समाज के उत्थान में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने की बात कही। ज्वाइंटली रूप से माउंट कार्मेल स्कूल में एक प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य ये था कि बच्चों में, खास करके जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो छोटे छोटे ऑफेंस जैसे कि चैन पुलिंग करना, रेलवे ट्रैक पर चलना, सेल्फी लेना, और जैसे वो लोग कभी ट्रेन के छत पे चढ़ जाते हैं, सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं, तो छोटे छोटे अपराध बारे में उनको जानकारी देना था। इसके अलावा बच्चों में नशा पुरानी गिरोह का जो आतंक बढ़ गया है रेलवे में, तो बच्चों को उसके बारे में बताना, उससे कैसे बचाया जा सकता है, अपने परिवार में बताना, अपने माँ बाप को बताना, अपने आस पड़ोस में बताना, उसके प्रति जागरूकता पैदा करना, यही हम लोग का उद्देश्य था। भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में रविवार को आयोजित होने वाले रक्तदान उत्सव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन सामाजिक संस्था अहसास की ओर से आयोजित की गई है। संस्था की अध्यक्षा नशीमा दिलकश ने कहा कि रक्तदान उत्सव का आयोजन शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी दिवंगत मुकुटधारी अग्रवाल की स्मृति में हो रहा है। उन्होंने शहर वासियों से शिविर में रक्तदान करने की अपील की। नशीमा दिलकश ने कहा कि रक्तवीरों के द्वारा दिए गए रक्त से किसी के जीवन को बचाया जा सकता है। इस मौके पर अंशुमन भारद्वाज, निमित गोयनका, गौरव जैन सहित संस्था के कई सदस्य मौजूद थे। समान काम समान वेतन देने की मांग को लेकर शनिवार को शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की ओर से प्रतिरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्रदर्शन जुलूस निकाला, जो समाहरणालय पहुंचकर समाप्त हुआ। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दोनों का पुतला दहन किया। जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने कहा कि 5 सितंबर को मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया था और मुख्यमंत्री के इशारे पर 5000 शिक्षकों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार अविलंब मुकदमे को वापस ले और शिक्षकों की जायज मांगों को सशर्त पूरी करे, नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है। इसका मेन कारण ये है कि 5 सितंबर को जो तानाशाही रवैया अपनाते हुए बिहार सरकार ने हमारे कुछ शिक्षक संगठन के नेताओं के ऊपर और 8000 शिक्षकों के ऊपर जो फर्जी मुकदमा किया है, उसके विरोध में हम लोग ये पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारी कुछ मांगे हैं, जायज़ मांगे, जिसके लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम सेव समान सेवा शर्त लागू कीजिए, पुराना वेतनमान हमको दीजिए, अनुकंपा पे बहाली पे जो गलत शर्त लगाए हैं उसको वापिस कीजिए और ग्रेड पे में 2.57 से गुना कर उसका फिक्सेशन करिए। भागलपुर नगर निगम की ओर से शनिवार को गंगा स्वच्छता संदेश रैली को लेकर पद यात्रा निकाली गई। रैली में जिलाधिकारी प्रणव कुमार, मेयर सीमा साह, पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर सहित पार्षद शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए लोगों को गंगा स्वच्छता के संदेश दिए। रैली निगम कार्यालय से निकलकर विभिन्न चौक चौराहा होते हुए निगम परिसर में आकर समाप्त हुई। इस दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। मौके पर पार्षद हंसल सिंह, पप्पू यादव सहित निगम कर्मी और पार्षद मौजूद थे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी रसायन शास्त्र विभाग में शनिवार को एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन प्रति कुलपति प्रोफेसर रामायतन प्रसाद, पूर्व प्रभारी कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र साहा, एफ ए पदमकांत झा, केमिस्ट्री के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर महेश्वर प्रसाद साह, डॉक्टर अशोक झा समेत कई अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। इसके पूर्व संगीत विभाग के छात्र छात्राओं ने कुलगीत की प्रस्तुति दी। सेमिनार का आयोजन इंडियन केमिकल सोसाइटी भागलपुर चैप्टर की ओर से किया गया था। सेमिनार का विषय था रिसेंट एडवांसेस इन इनोवेटिव रिसर्च एंड केमिकल एजुकेशन। इस दौरान अतिथियों ने रिसर्च पर आधारित पत्रिका का भी विमोचन किया। राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए प्रति कुलपति प्रोफेसर रामेतन प्रसाद ने कहा कि विगत 200 वर्षों में कई वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी पर काम किया है। सेमिनार में डॉक्टर एमपी साह, प्रोफेसर डीसी मुखर्जी, प्रोफेसर बी मिश्रा, डॉक्टर आर कुमार, डॉक्टर एसपी प्रकाश समेत कई विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए और शोध कार्य को बढ़ावा देने की बात कही। मौके पर डॉक्टर डीएन राय, डॉक्टर रविंद्र कुमार, डॉक्टर ज्योतेंद्र चौधरी, डॉक्टर कुमारी विनीता समेत कई शिक्षक और शोधार्थी मौजूद थे। आज जो सेमिनार आयोजित हो रहा है उसमें रिलीवेंस ऑफ पेरिटेबल इन इनोवेटिव रिसर्च एंड केमिकल एजुकेशन को हो रहा है, जिसमें हम लोग ये चर्चा करेंगे कि जो पेरिटेबल जो 1857 में 1869 में जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल जो दिया था, सभी एलिमेंट को एक सिस्टेमेटिक ढंग से सजाया था, जिसे हम आज पीरियोडिक टेबल कहते हैं, तो वो उन्होंने एटॉमिक वेट के आधार पर सभी एलिमेंट को सजाया। और ये जो पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव का बहुत बड़ा देन है, और मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल सभी बहुत सारा एलिमेंट को जो एक सिस्टेमेटिक वे में सजाया, उसके बाद जो है उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च शुरू हो गया।
विशेष परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर छात्रों ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने जमकर नारेबाजी की। स्नातक सत्र 2012 से 15 तक के छात्रों ने स्पेशल परीक्षा आयोजित नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। वहीं शनिवार को धरना पर बैठे छात्रों के समर्थन में जन अधिकार छात्र परिषद भी कूद पड़ा। आयशा नेता प्रवीण और वतन कुमार ने कहा कि जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर रोहित कुमार, नंदन, विनीत सत्यम समेत कई छात्र नेता मौजूद थे। हम लोग का मांग है 2012 से लेके 2015 तक का स्पेशल परीक्षा लिया जाए, जो कि 2 साल से छात्र परेशान है, उसका करियर दाव पे लगा हुआ है, किसी एक पेपर के चलते आज वो ग्रेजुएशन नहीं क्लियर कर पाया है, ना आगे का पढ़ाई चालू कर पा रहा है, ना आगे का कोई ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भर पा रहा है। तो इसलिए हम मांग करते विश्वविद्यालय प्रशासन से कि स्पेशल परीक्षा जल्द से जल्द लिया जाए। 2012 से 2015 तक के सेशन का स्पेशल परीक्षा करवाने और जो ये रिजल्ट में भारी मात्रा में गड़बड़ी हो रही है लंबे समय से, इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए छात्र यहाँ 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिस पर आज आयशा की ओर से, राज कमेटी की ओर से हम आए हैं छात्रों के अनशन का समर्थन करने। और विश्वविद्यालय प्रशासन, जिला प्रशासन और सरकार की जो उदासीनता है, जो ये मानवता जो मर गया है विश्वविद्यालय का, 4 दिन से छात्र यहाँ हैं, उनकी सुध लेने के लिए कोई नहीं आया है। अगर अनशन करते हुए छात्र की मृत्यु हो जाती है, छात्र की हालत खराब हो जाती है, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। ये नए ट्रैफिक रूल को लेकर स्थानीय कलाकारों के द्वारा शॉर्ट फिल्म चालान का निर्माण किया गया। सलमान अनवर फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म को शहर के कई स्कूलों में बच्चों के बीच प्रसारित किया गया, जिससे बच्चे ट्रैफिक रूल के प्रति जागरूक हो और आम जनता को भी जागरूकता के लिए प्रेरित करे, जिससे प्रतिदिन हो रहे सड़क हादसों में कमी आ सके। फिल्म के निर्माता सलमान अनवर ने कहा कि लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चालान फिल्म का निर्माण किया गया है। फिल्म में बाइक चालक और पुलिस की भूमिका आलोक यादव और हर खान ने निभाई। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। भारत फाइनेंस के मैनेजर से लूटकांड मामले का पुलिस ने किया खुलासा, हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। हिंदी दिवस को लेकर जिले भर में कई कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कमिश्नर वंदना किनी ने सरकारी कार्यालयों में हिंदी को बढ़ावा देने की कही बात। राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन, कुपोषण मुक्त समाज बनाने के लिए लोगों को किया गया जागरूक। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने प्रोफेसर एके राय, सोमवार को कर सकते हैं पदभार ग्रहण। और शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बांका पुलिस ने 5 शराब कारोबारी को भारी मात्रा में शराब के साथ किया गिरफ्तार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।